नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं यूपी के जनपद सीतापुर ब्लॉक रामपुर मथुरा गांव है गंगापुरवा। और ये जो मार्ग आप देख रहे हैं जहां पे हम मौजूद आपको नजर आ रहे हैं, भयंकर बारिश होने के बाद 3 दिनों से लगातार बारिश हुई है और अब लोग जो है अपने घरों से निकलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो सच्ची तस्वीरें, जो असली तस्वीरें हम यूपी से दिखाना चाह रहे हैं आपको, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि जितना जो है ये चंदौली से होते हुए इधर जो है मुरकटिया घाट कई गांव से होकर के मार्ग जो है निकलता है। इस पे जो है लगातार जो है आवागमन बना रहता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि सरकार जो है, चाहे वो सरकार की बात आए चाहे वो गांव के प्रधान की बात हो, तो असली विकास तभी नजर आता है जब भयंकर बारिश हो या फिर गाँव का असली विकास, असली तस्वीरें निकल के आती है सामने। इस वक्त हम देख सकते हैं कि वहां से पूरे गांव की अगर हम दिखाएं इस गांव में, तो पूरे गांव की ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। इस वक्त हम हमारे साथ इतने सारे ग्रामीण हैं, उनसे बात भी कर लेंगे। दादा जी, कहाँ रहते हैं? क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। थोड़ा तेज बोलिए। ये ऐसे टीचर कब से भरता है यहाँ पे? गांव में नाली वाली बनी है कि नहीं? नहीं, नाली नाला कुछ नहीं बनी है। एक भी नाली इस गांव में नहीं बनी है? नाली बनी है वैसे खाली, तो कहीं नहीं बनी। अच्छा, पूरे गांव में नाली कहीं नहीं बनी? कहीं नहीं बनी। तो ये रोड पर पानी जो भरा रहता है ये हमेशा ऐसे ही रहता है? अच्छा, से आखिरी तक ही रहता है। जब आप बाइक लेके निकल रहे हैं, कितनी बार इस रोड पे निकलते हैं? कम से कम 10 बार निकलते हैं। तो ये रोड पर हमेशा जब बारिश होती है तो हमेशा जो है यहाँ पे बारिश में हमेशा एक दिन की बारिश हो तब भी ऐसे रहेगा, ये बारिश में तो हमेशा ऐसे रहता है। ये पूरी बारिश बरसात के बाद, भले जो भी 2 महीने के बाद समझो कीचड़ खत्म होगा बरसात के बाद। अच्छा, इस रोड पे कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई अधिकारी आते हैं जाते हैं? विधायक भी आते हैं, सांसद भी आते हैं, आते सब और चले जाते हैं। यहाँ कोई कोई सुनवाई नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हो तुम लोग? जी मैं। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे कीचड़ भरा हुआ है, एक मिनट। क्या नाम है तुम्हारा? अमन। यही रहते हो? स्कूल जाते हो? जी मैं। इस कीचड़ में होके जाते हो? हाँ बता। कहाँ पढ़ते हो बताओ? प्राथमिक विद्यालय में। आपका यही घर है? तो आपके दरवाजे पर इतना कीचड़ भरा हुआ है, क्या कहेंगी आप? कीचड़ भरा है, जो कोई सुनवाते नहीं। कीचड़ भरा रहे ऐसे? इससे तो पानी अगर भरा रहेगा तो इसे बीमारियां भी होंगी। बच्चे आपके खेलते कहाँ पे हैं? सभी कीचड़ में खेला करते हैं। ये घर जो है, देख सकते हैं कि रोड के किनारे जितने भी घर है तो कहाँ खेल रही है? अच्छा, इसी में खेलेंगे। ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार आपको गांव की रिपोर्टिंग हम आपको दिखाते रहते हैं। देख सकते हैं कि पूरे गांव की ऐसी ही हालत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और ये जो है कीचड़ में होकर के इन्हें जाना पड़ता है। वैसे फिलहाल तो इस समय जो बारिश हुई है, असली खोल जो है खोल करके रख दिया। चाहे वो सरकार की बात आए, सरकार तो गड्ढा मुक्त की बात करती है, लेकिन गांव के प्रधान जो है जमीनी स्तर पे कितना विकास करते हैं? क्योंकि सरकार तो लाखों रुपया देती है विकास के नाम पर, लेकिन वाकई में विकास होता है या नहीं होता है? दादाजी, कब से ये जो है रास्ता इसी तरह रहता है? ये बहुत दिन से है। बहुत दिन से पक्की रोड बनी, तब से ऐसे रहा। निकलने में यहाँ अंधेरे उजेरा चक्की पे साथ लग जाए, चहलम पाँव पड़े। इस गांव में नाली वाली कहीं बनी है? कहूँ नाली नहीं, कहूँ नहीं, नाली नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बच्चे जो है इसी जो है पहला कीचड़ में कब निकलते हैं? कब निकलते हैं? सांसद विधायक और जो व्यक्ति है सब यहाँ निकलते हैं। अच्छा, कोई अधिकारी आता है इसी पे निकल जाता है? मूर्ति रहा दशहरा में, यहाँ तो डीएम सब आ रहा है। अभी तो विजय दशमी का जो मूर्ति विसर्जन जो कार्यक्रम हुआ, इसी में हो करके जो है माता रानी की जो है मूर्ति निकाली गई। लेकिन हमें लगता है जो अधिकारी आते हैं आंखों पे पट्टी बांध करके आते हैं। एक बार जो है गाड़ी, क्योंकि जब बड़ा कोई अधिकारी आता है तो ऑलरेडी वो जो है शीशा खोल करके नहीं देखता है, वो तो जो है एसी में बैठा रहता है। लेकिन मैं उन अधिकारियों से कहना चाहती हूँ, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वो विकास मंत्री हो, मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार भी गांव में पहुंचकर आप देखने का प्रयास करें कि गांव के लोगों को क्या समस्या होती। एक वोट से आपको राजा बना दिया जाता है, लेकिन राजा बनने के बाद चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गांव के प्रधान हो, कोई जो है गांव के स्तर की जो समस्या है वो देखने नहीं आते। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग एकत्रित हैं और जो है मोटरसाइकिल से भी लोग यहाँ पे निकलते हैं, साइकिल से भी लोग निकलते हैं और आम जनता जो है, जो गरीब व्यक्ति है वो तो पैदल ही निकलेंगे। आप लोग इसी गांव में रहते हैं सब लोग? सब लोग रहते। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। कहाँ रहते हो? ये कीचड़ जो है पूरे गांव में भरा हुआ है।
पानी में पैदल जाना पड़ता है, फिर बाद में कहीं। कभी इस रोड के बारे में आप लोगों ने कभी इस बात का जो है मुद्दा नहीं उठाया? आप अपने गांव के जो भी इंजीनियर है, जो भी अधिकारी है, जो भी आते हैं, उनसे आपने सवाल जवाब नहीं किया कभी? अच्छा, बाहर रुकते हैं तो गाँव में कुछ भी हो कोई मतलब ही नहीं है, गाँव में कोई मतलब ही नहीं है। गाँव में किस क्लास में पढ़ते हो? दो में। स्कूल कहाँ जाते हो? सरदार में। तो सरदार में जाते हो, ये कीचड़ में होकर के चले जाते हो। बच्चे जब घर से जो है अच्छी यूनिफॉर्म पहनते हैं और घर से निकलते हैं, और अगर इस रोड पे इतना कीचड़ है, इतना पानी भरा हुआ है, इससे अनेकों बीमारियां भी फैलती हैं। अगर यहाँ से बच्चे अगर निकलेंगे तो अगर ये कीचड़ में गिर जाएंगे तो कौन होगा उसका जिम्मेदार? अधिकारी तो इस बात को 1% ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में हम उन अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि एक बार गांव में देखें कि जो गड्ढा मुक्त भारत की बात होती है, जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है, वो वादे सारे फेल हो जाते हैं। कुछ दूर तक हम आपको रोड दिखा देते हैं, गांव में रोड दिखा देते हैं। गंगा बह रही है, देख लीजिए। मैं उन अधिकारियों से कहना चाहती हूँ कि विकास की गंगा देखिए, विकास की गंगा में मोटरसाइकिल निकलती हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। और पूरे सारे ग्रामीण जो है यहाँ पे इकट्ठा है। अब ग्रामीण करें भी तो क्या करें, जब तक के हम जैसे लोग यूपी की तस्वीरें सच्ची असली निकाल कर नहीं दिखाएंगे, सरकार को क्या पता है कि वहाँ पे क्या है। लेकिन अधिकारी